अभी हम आपके लिए एक और इस सर्वसुलभ होते हुए भी बिल्कुल अपरिचित सी एक जो औषधि है आयुर्वेद में, इसका बहुत ज्यादा वर्णन या प्रयोग नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको नागदौन बोलते हैं, जो मेरे हाथ में है और आप देख रहे हैं पीछे भी काफी मेरे पास में ये है। नागदमनी, नागदौना के नाम से दूसरे पौधों का आयुर्वेद में वर्णन है। इस पौधे का पुस्तकों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में उतना ज्यादा वर्णन नहीं है, परंतु यह एक अत्यंत औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं इस नागदौन के इस जड़ी को, इस पौधे को। आप बड़ा ध्यान से देखिए, इसको आपने जरूर कहीं देखा होगा। ये बेचारा रक्षा करता है, एक सिपाही की तरह से, एक सैनिक की तरह से आपकी खेत की रक्षा करता है, बाड़ में खड़ा होकर के। घर में बहुत सुंदर, यदि आपने लोन बनाया है या आपके पास छोटा सा गार्डन है, तब भी यह बेचारा कहीं उस गार्डन के किनारे पर खड़ा होकर के आपकी जो बगीची है, आपका जो गार्डन है, उसकी यह शोभा बढ़ा रहा होता है। और जिनके पास ज्यादा जगह नहीं है तो एक दो गमले में भी इसको लगा देते हैं, तो ये हरा भरा बारो महीना वो आपकी घर की सुंदरता को बढ़ा करके रखता है। तो घर में आप इसको बड़ी सुगमता से लगा सकते हैं। यदि इसको आप सिर्फ इसके टहनी को तोड़ करके यदि आप लगा भी देंगे, तब भी ये लग जाता है। किसी भी ऋतु में, किसी भी जगह पर ये आराम से लग जाने वाला पौधा है। स्थानीय में हम लोग इसको नागदौन बोलते हैं, इसीलिए कृपया आप इसको बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन, माताएं बहनें मुझे यही कहती हैं कि जड़ी बूटियों को आप थोड़ा सा हम ध्यान से देख पाएं। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो पौधा बहुत गहरा हरे रंग के इसके पत्ते हैं, इसकी टहनी बड़ी कोमल है और इसको तोड़ने के बाद में इसमें से निकलता है दूध, इसको बोलते हैं नागदौन। तो नागदौन के जो हमने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों से आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जब हम आज चिकित्सा कार्य करते हैं तो बहुत तरह के रोगी हमारे पास आते हैं। उन रोगियों में कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो बहुत सारे रोगों से पहले पीड़ित थे, कहीं से कोई औषधि उनको मिल गई, उसका उन्होंने सेवन किया और वो ठीक हो गए। हमारे चिकित्सालय में ये कुछ वर्ष पूर्व की घटना है। उन्हीं में से ही तो आकर के कहने लगे कि हमारे घर में बहुत भयानक बवासीर की शिकायत थी और एक संत आए, उन्होंने एक जड़ी जो आसपास में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हर रोज 3 पत्ते सुबह, 1-2 काली मिर्च मिला करके उसको चबा करके खाना, ऊपर से पानी पीना, 3 पत्ते और 2 या 3 काली मिर्च। तो उन्होंने कहा, हमने कुछ दिन लगातार सेवन किया, उन्होंने 3 दिन के लिए कहा था, 4-5 दिन में ही हम पूरी तरह से ठीक हो गए। जब मेरे को ये जानकारी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप ये बताइए कि वो जड़ी क्या है। उन्होंने कहा, अच्छा ये होती तो सब जगह है, जरा मैं देख लूँ। आश्रम के आसपास उन्होंने देखा पर वो नहीं मिली, हरिद्वार के पास के ही रहने वाले थे। मैंने कहा आप कुछ दिन बाद उस जड़ी को लेकर के आए। तो मैं प्रतीक्षा करता रहा, वो 4-5 दिन के बाद नागदौन को लेकर के आए। मैंने कहा यह तो सर्वत्र खेतों में, बाड़ों में, खेती की रक्षा के लिए, घर में, कहीं पर भी लोन में इसको लगाते हैं लोग। मैंने कहा यह तो सब जगह होता है। बोले जी ये सब जगह होता तो है, पर हमें उन्होंने बताया था। ये सबसे पहला हमारी जानकारी थी नागदौन के संदर्भ में, ये वर्षों पुरानी बात है। तो
फिर हमने इसका कुछ प्रयोग जो अपने नज़दीक, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पॉइजन वाला पौधा मानता था उससे पहले, क्योंकि मुझे ये कुछ विचित्र सा कैक्टस की सी प्रजाति लगती थी। फिर हम संतुष्ट हुए कि यह प्रयोग करके निश्चित रूप से लाभ होता है। फिर हमने बताना शुरू किया लोगों को और बहुत सारे रोगी आए। तो जैसे बड़ा पत्ता होता है तो हम मात्र एक पत्ते के सेवन के लिए बोलते हैं, जब छोटा पत्ता होता है तो थोड़े बीज के हों तो दो पत्ते का सेवन कर सकते हैं, और बिल्कुल छोटे पत्ते हो तो तीन पत्ते का सेवन कर सकते हैं। तो जिनको बवासीर की शिकायत है उनके लिए तो ये बहुत ही लाभकारी गुणकारी पत्ता है। तो एक पत्ती से तीन पत्तियों तक इसकी डोज हमने निर्धारित की। आप देख रहे हैं कि काफी बड़ा पत्ता है, तो एक ही पत्ता पर्याप्त है। काली मिर्च के दाने और इस पत्ते को पीस करके सुबह बिल्कुल खाली पेट। तो कितनी भी भयानक ब्लीडिंग होती हो, पाइल्स की वजह से आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप कर सकते हैं तो इस पत्ते को आप चबा करके भी खा सकते हैं। और चबा करके खाने में आपको परेशानी है, पीस करके एक चम्मच में आप मुंह में ले करके एक दो काली मिर्च इसमें मिला दें और आप ऊपर से एक गिलास पानी पी जाएं। आप देखिए आपकी जो ब्लीडिंग है वो तुरंत इसको लेते ही ये रुक जाती है। तो मैंने देखा यह बहुत चमत्कारिक है, रक्त को रोकने के लिए, आपकी पाइल्स के लिए, अर्श के लिए। तो एक दो काली मिर्च के दाने और इस पत्ते को पीस करके सुबह बिल्कुल खाली पेट। हमने फिर सैकड़ों लोगों तक इस मिशन को, इसके प्रयोगों को करके हमने देखा और बाद में हमने उनके रिजल्ट्स और रिपोर्ट भी लिया। तो ये बहुत ही लाभकारी गुणकारी पत्ता है। आपके बवासीर के रोग में रक्त को रोकने के लिए, आपकी पाइल्स के लिए, अर्श के लिए, हम लोग उसके लिए अर्शकल्प वटी बनाते हैं। तो हमने फिर उस अर्शकल्प वटी में भी इस पत्ते को डालना हमने प्रारंभ कर दिया। आज हमारी जो अर्शकल्प वटी है उसमें नागदोन का पत्तों का सोरस डाला जाता है, वह भी अत्यंत गुणकारी है बवासीर के लिए। परंतु ये इतना सुगमता से होने वाला पौधा है, आपके घर में, घर के आसपास में हो जाता है, इसीलिए इसको आप जरूर लगाइए। लगा करके आप इसके द्वारा अपनी बवासीर की ब्लीडिंग की बीमारी दूर कर